फ्रेंड्स, नाउ लेट्स डू नेक्स्ट काइंड, कलेक्टिव नाउन. अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स एज वन. यानी कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, जब हम किसी ग्रुप यानी कि कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग्स का कोई नेम होता है, दैट इज कलेक्टिव नाउन. ठीक है, ये क्या करता है, इट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स. ग्रुप ऑफ पीपल एनिमल्स और थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है. जैसे कि वर्ड्स लाइक आर्मी, क्राउड, बंच, क्लास, फ्लॉक आर कलेक्टिव नाउन्स. अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर यानी सोल्जर के ग्रुप को क्या कहते हैं हम, आर्मी. अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर इज कॉल्ड आर्मी. अ कलेक्शन ऑफ पीपल, जहां कलेक्शन ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल इज कॉल्ड क्राउड. अ कलेक्शन ऑफ कीज और ग्रेप्स इज कॉल्ड बंच. ठीक है, अ पैक ऑफ कार्ड्स का जो पैक हो, अ पैक ऑफ कार्ड्स. ठीक है, पैक क्या वर्ड हो गया, कलेक्टिव नाउन. ठीक है, क्लास. अब क्लास में आपके क्लास में किसकी क्लास होती है, स्टूडेंट्स की. तो अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो क्लास वर्ड क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स. अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन का बैंड, कलेक्शन ऑफ म्यूजिशियन यानी म्यूजिशियन के ग्रुप को क्या कहा, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियन. स्टूडेंट के ग्रुप को क्लास, पीपल के ग्रुप को क्राउड. ठीक है, थीव्स के ग्रुप को गैंग, प्लेयर्स के ग्रुप को टीम, डांसर के ग्रुप को ट्रुप. तो कलेक्टिव नाउन क्या हो गया, इज द नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स. ठीक है, जब हम ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वर्ड यूज होता है, दैट इज कलेक्टिव नाउन. एंड आफ्टर दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी. एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, आइडिया, फीलिंग एक्सेट्रा. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, आइडिया, फीलिंग एक्सेट्रा विच वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील बट कैन नॉट टच. कोई भी ऐसी क्वालिटी, ठीक है, कोई भी ऐसा आइडिया, फीलिंग जिसे आप फील कर सकते हो, जिसे आप सोच सकते हो, ठीक है, लेकिन उसे टच नहीं कर सकते. जैसे कि क्वालिटीज लाइक काइंडनेस, आप काइंडनेस दिखा सकते हो, फील कर सकते हो, लेकिन टच नहीं कर सकते. ऑनेस्टी, ईमानदारी भी आप दिखा सकते हो, फील कर सकते हो, बट कांट टच. ब्रेवरी, ठीक है. एक्शन लाइक स्माइल को टच कर सकते हो, नहीं ना. थेफ्ट, चोरी करना. जजमेंट और स्टेट लाइक सिकनेस, बीमार होते, बीमारी हम फील कर रहे हैं. लव हो गया, पेन हो गया, चाइल्डहुड हो गया, बचपना हो गया. आइडियाज लाइक डेमोक्रेसी एक्सेट्रा, ये सब किसके एग्जांपल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के. किसके एग्जांपल है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के. ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिन्हें आप, वी कैन, अब फॉर एग्जांपल वी कैन सी द सन, हम सन को तो देख सकते हैं, टेबल को टच कर सकते हैं. अब ये देखो पेपर है, इसको मैं टच कर सकती हूँ, ठीक है. लेकिन जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, ना हम देख सकते हैं, लेकिन हम उन्हें फील कर सकते हैं, ठीक है. जैसे कि करेज, ब्रेवरी होगी, ऑनेस्टी होगी, ये सब हम क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. तो डेट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी ऐसा नाउन जिन्हें कि आप क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो, ठीक है, लेकिन वी कैन नॉट टच. इनमें से इनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, इन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है. वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन. क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ओके स्टूडेंट.
आई होप कलेक्टिव नाउन इज क्लियर टू यू. सो कलेक्टिव नाउन क्या है? नेम ऑफ अ कलेक्शन ऑफ पर्सन एनिमल प्लेसेस और थिंग्स. ठीक है, तो ये क्या है हमारा कलेक्टिव नाउन. लेट सी द एग्जाम्पल सेंटेंसेस ऑफ कलेक्टिव नाउन. शी कैप्ट अ बुके ऑफ फ्लावर्स ऑन द टेबल. सो बुके ऑफ फ्लावर्स यानी फ्लावर्स के ये बुके ऑफ फ्लावर्स. तो बुके क्या है ये हमारा, ये हमारा ये बुके वर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन है. नाउ नेक्स्ट, शी एट अ फुल बंच ऑफ ग्रेप्स. बंच ऑफ ग्रेप्स, तो बंच वर्ड क्या है हमारा, कलेक्टिव नाउन. ठीक है. नाउ नेक्स्ट, शी विल टीच इंग्लिश क्लास नेक्स्ट ईयर. यहाँ पे क्लास वर्ड क्या है, वो है कलेक्टिव नाउन. ठीक है, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, तो दिस इज कलेक्टिव नाउन. ही कम्स फ्रॉम अ लार्ज फैमिली. फैमिली वर्ड क्या है हमारा, कलेक्टिव नाउन. फैमिली में माता पिता, आपके पेरेंट्स आ गए, फादर मदर हो गया, ब्रदर सिस्टर. ठीक है, तो दैट इज फैमिली. तो फैमिली वर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन. अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स क्रॉस द रोड. एलिफेंट्स का ग्रुप. ठीक है, हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, तो हियर हर्ड वर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन. आई कांट फाइंड अ मैचिंग पेयर ऑफ सॉक्स. पेयर क्या वर्ड है यहाँ पे, कलेक्टिव नाउन. ही हैज अ पाइल ऑफ डर्टी क्लोथ्स इन हिज रूम. पाइल वर्ड क्या है हमारा, कलेक्टिव नाउन है यहाँ पे. शी ज्वाइंड अ डांस ट्रूप एंड ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड. यहाँ ट्रूप वर्ड क्या है, कलेक्टिव नाउन. तो बेटा हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में कलेक्टिव नाउन की काफी बड़ी लिस्ट है, जैसे कि अ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स है, आर्मी ऑफ सोल्जर, क्राउड ऑफ पीपल. ठीक है, बंच ऑफ ग्रेप्स या बंच ऑफ कीज, ये ऐसे एक लिस्ट है. ठीक है, तो क्या किया गया है, कलेक्शन ऑफ पर्सन एनिमल प्लेसेस यानी पर्सन एनिमल प्लेसेस और थिंग्स के ग्रुप को एक नेम दे दिया गया, दैट इज कलेक्टिव नाउन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल सेंटेंसेस. अब जैसे कि मैंने बताया एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, नेम ऑफ सम क्वालिटी, किसी क्वालिटी एक्शन आइडिया या फीलिंग को क्या कहते हैं हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे आप फील कर सकते हैं, जिसके बारे में आप सोच सकते हैं लेकिन उसे टच नहीं कर सकते. ठीक है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसे कि एग्जाम्पल सेंटेंस, लेट्स सी, इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947. इंडिया गॉट फ्रीडम, फ्रीडम को आप टच कर सकते हो नहीं, हम फील कर सकते हैं ना कि हम आजाद हैं, तो फ्रीडम क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. दे वर अवॉर्डेड मेडल्स फॉर देयर ब्रेवरी. दे वर अवॉर्डेड मेडल्स फॉर देयर ब्रेवरी. उन्हें अपने बहादुरी के लिए क्या मिले, मेडल्स मिले. अब बहादुरी जो है, ब्रेवरी क्या है, बहादुरी. ठीक है, ब्रेवरी जो है उसे फील कर सकते हैं आप, टच तो नहीं कर सकते, तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. I don't have the energy to finish the verb. अब energy जो है वो feel होती है, उसे touch तो नहीं करते, तो that is abstract noun. I have great faith in you. Faith क्या है, विश्वास, भरोसा. I have great faith. Faith को भी क्या कर सकते हैं, feel कर सकते हैं. ठीक है, I hate traveling by plane. Hate क्या है, feeling है. ठीक है, तो इसे भी touch नहीं कर सकते, that is abstract noun. I hope they get what they deserve. Hope क्या है, होप को भी टच नहीं कर सकते, फीलिंग है, उम्मीद. होप मीन्स उम्मीद, दैट इज ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नाउ नेक्स्ट, इट वॉज सच अ ब्रिलियंट आइडिया. आइडिया को तो हम फील कर सकते हैं, टच थोड़ी ना कर सकते हैं, तो दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिन्हें कि आप फील कर सकते हैं, जिनके बारे में हम सोच सकते हैं लेकिन उन्हें टच नहीं कर सकते. ओके स्टूडेंट्स.